ये देखिए दोस्तों क्या जबरदस्त कोट बोली गई है, विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। देखिए दुनिया में हर इंसान, ऑलमोस्ट हर इंसान कुछ ना कुछ ड्रीम करता है, कुछ ना कुछ बनने का, कुछ ना कुछ करने का ड्रीम करता है, मगर उसमें से 10% से भी कम लोग उस पर इम्प्लीमेंट करने का करेज करते हैं और उसमें से बहुत कम लोग उस पर डटे रहते हैं। इसलिए डिपेंड आप पर करता है कि अगर आपने जो ड्रीम देखा है, आपको लगता है कि वो पूरा होना चाहिए, तो आपको गिव अप नहीं करना है। आपने अगर बीच में छोड़ दिया तो वो ड्रीम ड्रीम ही रह जाएगा, वो कभी रियलिटी नहीं बन पाएगी। इसीलिए बहुत जरूरी है, कभी गिव अप मत कीजिए। जो भी आपने ठाना है उस पर अमल रहिए। एक बार खुद से कमिटमेंट कर दी, उसके बाद आप खुद की भी मत सुनिए, कभी पीछे मुड़कर मत देखिए, आगे बढ़ते रहिए। स्ट्रेटजीज चेंज कीजिए मगर ड्रीम चेंज मत कीजिए। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवर गिव अप। अब आप मेरे कोर्सेज को अनअकैडमी प्लस पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो मुझसे अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उस पर आपको मेरी प्रोफाइल सर्च करनी पड़ेगी मयूर मोगरे इस नाम से। उसके बाद जो भी मेरे प्लस कोर्सेस हैं आपको वहां पर नज़र आएंगे। जैसे कि मैंने MPSC के लिए कोर्स लॉन्च किया है जो कि मराठी लैंग्वेज में है। तो इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको मेरी प्रोफाइल में इस कोर्स पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस कोर्स पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन का नोटिफिकेशन दिखाई देगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगी जहाँ पर अलग अलग सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दिए होंगे। तो आप किसी भी एक सब्सक्रिप्शन को यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, जो भी आपको सुटेबल होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हो यहाँ पर आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो है उसमें ले जाया जाएगा और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर स्टेट जो है वो डालना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो इस तरीके की एक विंडो यहाँ पर ओपन होगी। अब यहाँ पर आपको रेफरल कोड जो है वो यहाँ पर उसका एक बॉक्स दिखाई देगा। अब इस रेफरल कोड में आपको कोड इंसर्ट करना है MMBEAN, ये कोड अगर आप वहाँ पर इंसर्ट करते हो तो उसके बाद ये कोड जो है रेफरल कोड वो यहाँ पर अप्लाई इस तरीके से आपको दिखाई देगा। जो पहले आपको 1400 रुपये थे, 1400 रुपीज़ थे एक महीने के, अब उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और वो सिर्फ 1260 रुपये पर आ जाएगा। तो इसीलिए आपको ये रेफरल कोड जो है ये डालना बहुत ज़रूरी है और फिर उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है। उसके बाद इस तरीके की नेक्स्ट विंडो ओपन होगी जहां पर आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करने का ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है वेरियस बैंक्स के थ्रू। उसी के साथ साथ अगर आपको UPI के थ्रू यहां पर पेमेंट करना है तो उसका भी ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। और फाइनली आप किसी भी एक ऑप्शन को यहां पर क्लिक करके पे का अगर ऑप्शन क्लिक करते हो तो आपको यहां पर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी और जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो सब आपको वहां पर दिखाई देंगे। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ये जो कोर्सेस है ये MPSC एग्जाम के लिए है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये मराठी लैंग्वेज में रहने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 4 मार्च का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। और सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज आती है, तो यहाँ पर ये जो आइलैंड है ये आइलैंड का नाम क्या है आपको बताना है। देखिए काफ़ी न्यूज़ में है इसीलिए ये आइलैंड का नाम बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है एगियन सी और यहाँ पर है सी ऑफ क्रेट, यहाँ पर है मेडिटेरियन सी, यहाँ पर आपको ग्रीस देखने को मिलेगा और ये जो आइलैंड है ये आइलैंड जो कि टर्की के पास है ये कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, PDF वीडियो अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन आता है, उसमें COVID-19 के बारे में बताया गया है। अब देखिए हमारे यहाँ पर काफ़ी केसेस देखने को मिल रहे हैं, इंडिया में भी काफ़ी फैल रहा है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो पैनिक सिचुएशन है वो ना हो इसके लिए कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी और काफ़ी कुछ हम यहाँ पर समझेंगे। अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से भी ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ हम एक ऐसे मैमल की यहाँ पर बात करने वाले हैं जो कि थ्रू आउट द लाइफ यहाँ पर प्रेग्नेंट रहता है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छी तरीके से देखेंगे। उसी के साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है, अभी देखिए कुछ ही दिन पहले जो मोदी जी उन्होंने ट्वीट किया था
कि जो सोशल मीडिया है, जितने भी सोशल मीडिया है वो गिव अप कर रहे हैं, मतलब वो ऐसा लग रहा था, उन्होंने ऐसा बोला था कि वो छोड़ रहे हैं, जितने भी सोशल मीडिया है वो छोड़ रहे हैं। सभी ने अपना अपना तर्क लगाना शुरू कर दिया कि यहाँ पर इतना हेट जो है वो स्प्रेड होता है, इसीलिए मोदी जी जो है वो छोड़ रहे हैं। मगर फिर मोदी जी ने वहाँ पर एक छक्का लगा दिया, उन्होंने बोला कि मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मतलब ऐसा बोला नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो सोशल मीडिया है ये मैं जो विमेन है उनके लिए दे रहा हूँ। क्योंकि अभी आप सभी को पता है कौन सा दिन आने वाला है, तो आप जल्दी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कौन सा दिन आने वाला है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये सब मैं उन्हें दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। तो इसके जरिए यहाँ पर एक आर्टिकल देखने को मिल रहा है कि अलग अलग जो सोशल मीडिया है क्या आप उस पर क्विट कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है ना, टिकटॉक है, उसी के साथ यूट्यूब है, तो ये सबसे क्या आपका जो अकाउंट है वो डिलीट कर सकते हो। तो देखिए सभी जगह से आपका अकाउंट डिलीट हो सकता है, यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम ये आपको मौके देते हैं कि अगर आपने क्विट भी किया, डिलीट भी किया, उसके बाद भी फिर से आप रिविजिट कर सकते हो, लेकिन परमानेंटली डिलीट करने का भी आपके पास ऑप्शन होता है। तो यही सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज अगर आप देखोगे तो ये टीचिंग द टीचर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एजुकेशन सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, कौन कौन से चेंजेस करने चाहिए ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको एजुकेट एंड एम्पावर, यहाँ पर ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और जो विमेन है उन्हें एम्पावर करना चाहिए किस तरीके से, एजुकेट करके, तो ये भी आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, अच्छी तरीके से देखेंगे। ये हमारे GDP के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत बार कवर किया हुआ है, इसीलिए फिर से कवर करने की ज़रूरत नहीं है। CANRC के बारे में बात कर रहा है। तो आइए बात करते हैं COVID-19 के बारे में, उसे किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत बुरी तरीके से स्प्रेड हो रहा है। आप सब जानते होंगे कि बहुत सारी जगहों पर जो डेथ है वो हमें देखने को मिली है, इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा केसेस जो है वो यहाँ पर पाए गए हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर कोरोना वायरस जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बारे में जानना और उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहना। क्योंकि देखिए हमें ये सब तो पता है कि कोरोना वायरस जो है वो किस तरीके स्प्रेड होता है, कोरोना वायरस क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर उससे कैसे बचा जा सकता है ये उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आप देखोगे 3000 से ज़्यादा डेथ हमें देखने को मिली है, ईरान में 66 डेथ है, चाइना में हमें सबसे ज़्यादा 3000 के आसपास डेथ देखने को मिली है ना, तो मतलब जो केसेस है वो देखने को मिले हैं। तो इस तरीके से जो डेथ है वो भी 3000 के आसपास पहुंच गई है। तो इसीलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम पैनिक ना करें, क्योंकि इंडिया में जो केसेस हो रही है इससे पैनिक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो बहुत ज़रूरी है पैनिक ना करें, और उसी के साथ साथ जो भी मेजर्स है वो प्रॉपर तरीके से लिए जाए। अब कौन कौन से मेजर्स है, अब देखिए न्यू केसेस जो है कंफर्म की गई कोरोना वायरस इन्फेक्शन की दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, और उसी के साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट, स्कूल अथॉरिटीज़ जो है उन्होंने कुछ प्रिकॉशनरी मेजर जो है यहाँ पर दिए हैं, और उसी के साथ साथ जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है उसे यहाँ पर बचाया जा सके, ऐसा ही यहाँ पर समझा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कोरोना वायरस जो है उसकी टेस्ट किस तरीके से होती है, तो फर्स्ट टेस्ट सैंपल जो है सस्पेक्टेड पेशेंट के वो यहाँ पर PCR टेस्ट के लिए भेजा जाता है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो सैंपल जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे जो है वहाँ पर भेजा जाता है, जो कि ओनली गवर्नमेंट लेबोरेटरी है करंटली जो जीनोम सिक्वेंसिंग कर रही है फाइनल कंफर्मेशन के लिए। और फिर फाइनल कंफर्मेशन अगर आ जाता है उसके बाद यहाँ पर जो मतलब जो डिसीज वाला पेशेंट है उसे यहाँ पर आइसोलेट करके रखा जाता है, और उसकी ट्रीटमेंट, अब देखिए ट्रीटमेंट बेसिकली देखा जाए तो वायरस जो है उसके लिए हमारे पास कोई वैक्सीनेशन कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो उसे आइसोलेट रखना और जिस तरीके से प्रिवेंट किया जा सके उस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है। मगर कोरोना वायरस का प्रॉब्लम यह है कि 14 डेज के बाद आपको सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये 14 डेज जो है या फिर हमारी जो लिथार्जी होती है, फॉर एग्जांपल हमें अगर सर्दी हो गई तो सर्दी होने के बाद हम यहाँ पर क्या सोचते हैं कि नॉर्मल सर्दी खांसी होगी, है ना, वो चली जाएगी, हम नॉर्मल जो दवाएँ हैं वो लेना शुरू करते हैं, लेकिन फिर वो जब अच्छा नहीं होता है उसके बाद हम जो चेकअप है वो करवाते हैं। तो इतने दिन में, इतने टाइम पीरियड में आप सोचिए कि हम कितने लोगों को वायरस से अफेक्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत बुरी तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से स्प्रेड होता है। आपके जो ड्रॉपलेट्स है वो अगर किसी के अंदर चले जाते हैं तो उससे भी वो वायरस जो है वो हो जाएगा। इसीलिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है कि हमें अगर उस तरह कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि हमें कोरोना वायरस ही हुआ होगा, अगर हमें सर्दी खांसी हुई है नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, मगर ज़रूरी यह है कि हम अपने आप को प्रिवेंट करें दूसरों तक वो ना स्प्रेड होने के लिए। अब मास्क,
मास्क क्या यहाँ पर कोरोना वायरस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकता है, इस पर सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है और उसमें मैंने आपसे बात की थी कि अगर आप प्रिवेंट करने के लिए लगा रहे हो तो वो ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर जो मास्क है वो पहनकर घूम रहे हो, मगर सोचिए कि अगर सामने वाला इंसान है उसे कोरोना वायरस है, उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो आपके मास्क पर चिपक गए हैं, है ना, और फिर आप मास्क जो है वो निकाल रहे हो मास्क आपने घर पे रखा और बाकी जो लोग हैं जो उस मास्क के कांटेक्ट में आ रहे हैं उन्हें भी वो कोरोना वायरस हो सकता है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मास्क जो है अगर आपका प्रॉपर तरीके से ना बैठा हो तो आप बार बार मास्क को हाथ लगा के उसे एडजस्ट करते रहते हो, तो उसके वजह से भी यहाँ पर स्प्रेड जो है काफ़ी बुरी तरीके से हो सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है, कैसे स्प्रेड होता है, ड्रॉपलेट्स अगर आपके अंदर जाते हैं तो, है ना, तो ड्रॉपलेट्स किस तरीके से जा सकते हैं, या तो आप मास्क को बार बार हाथ लगा रहे हो, या तो आपके जो हाथ है ना, अगर आपके हाथ पर कोई ड्रॉपलेट्स है, आपके हाथ पे वो वायरस है, अगर आप वो माउथ के पास लेकर आ रहे हो तो भी वो वायरस जो है वो स्प्रेड हो जाएगा। तो ज़रूरी ये है कि आपको हाइजीन बरतनी है, जितना ज़्यादा हो सके आपके माउथ से, आपका जो चेहरा है उससे जो भी इन्फेक्शियस चीज़ें हैं उसे दूर रखा जाए। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है मास्क किसके लिए, तो जो यहाँ पर उससे अफेक्टेड है, मतलब जिन्हें भी सर्दी या खांसी है उन्होंने मास्क पहने रहना चाहिए, जिससे कि जो मास्क है उसमें ही सारे ड्रॉपलेट जो है वो आ जाए और वो स्प्रेड ना हो। और जो सरकार है उन्होंने काफ़ी वीडियोस जो है वो भी रिलीज़ किए हैं, जिससे कि अगर आपको सर्दी खांसी होती है तो किस तरीके से आपको हाइजीन जो है वो बरतना है, मतलब अगर आपको खांसी आती है, सर्दी आती है, तो आप जो रुमाल है, हैंकरचीफ है, उसका इस्तेमाल कीजिए, ड्रॉपलेट्स को आप सीधे तरीके से बाहर मत फेंकिए। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपने छींका है और आपके जो हाथ है उसमें कुछ ड्रॉपलेट्स आए हुए हैं तो वो आप हाथ धो लीजिए दूसरों को टच करने से पहले, जिससे कि वो जो ड्रॉपलेट्स है वो दूसरी तरफ ना स्प्रेड हो। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना क्या सेफ है, अभी देखिए अगर ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो करंट मूवमेंट पर हम यहाँ पर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा ये नहीं हुआ है इंडिया में कि बहुत स्प्रेड हो गया है और ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो उसका भी इस्तेमाल ना किया जा सके, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन यह है कि आपको यहाँ पर हाथ जो है हमेशा वॉश करते रहने हैं और सैनिटाइज जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करते रहना है। अब देखिए हैंड सैनिटाइज़र जो है क्या वो इफेक्टिव होते हैं, हैंड सैनिटाइज़र आपको पता है कि वो हाथ में ले लिए उसके बाद उसको ये कर लिए, रब कर लिए तो हाथ में से कीटाणु चले जाते हैं, तो क्या वो इफेक्टिव है, तो देखिए यहाँ पर अगर वो अल्कोहल बेस्ड है जिसमें अल्कोहल कंटेंट मोर देन 60% है तो फिर ये जो सैनिटाइज़र से ये इफेक्टिव होते हैं। अब 60% से ऊपर ऐसा नहीं है कि मतलब कोई लोग तो यहाँ पर सीधा उसे पीना ही शुरू कर देंगे और लाइटर नोट, तो खैर यहाँ पर 60% ज़्यादा जिसमें अल्कोहल कंटेंट है वो सैनिटाइजर्स यहाँ पर इफेक्टिव होते हैं। लेकिन डॉक्टर जो है उनका यही बोलना है कि आप यहाँ पर हैंड वॉश कीजिए, है ना, जो सोप होता है उससे आप हैंड वॉश कीजिए जिससे कि जो कीटाणु है वो निकल जाए। यहाँ पर हैंड सैनिटाइजर से क्या होते हैं, जो कीटाणु है उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन हो सकता है कि वो हाथ पर ही रहे, है ना, हाथ से ना जाए, उनकी डेथ ज़रूर होती है लेकिन वो हाथ पर ही रहे। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप हैंड वॉश कर लीजिए जिससे कि हाथ से वो वॉश ही हो जाए, आपके हाथ पर रहे ही ना, है ना। तो अगर सोप वाटर जो है वो अवेलेबल ना हो तो आप हैंड सैनिटाइजर जो है एटलीस्ट 60% अल्कोहल कंटेंट जिसमें है वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। उसी के साथ साथ हैंडशेक, क्या ये सेफ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों को, अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कफ है, ठीक है, मुझे यहाँ पर छींक आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं छींकूंगा और वो हाथ अगर मेरे पास हैंडकरचीफ या कुछ अवेलेबल नहीं है तो मेरे हाथ में मैं छींकूंगा तो हाथ में मेरे ड्रॉपलेट्स रहेंगे, और अगर मैं किसी के साथ हैंडशेक करता हूँ तो बट ऑब्वियस है वो जो वायरस है वो दूसरों तक भी पहुँच जाएगा। अब ऐसा ना हो इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी क्या है, हमें यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले जाना है, जो अभी मॉडर्न टाइम में आया है कि यहाँ पर हैंडशेक, गले मिलना, ये सब जो चीज़ें आई है ये सारी चीज़ें अभी नहीं करनी है, हमें पीछे जाना है, टाइम जो पहले चलता था वहाँ पर जाना है। जैसे हम बोलते हैं दुनिया गोल है, दुनिया वहीं पर फिर से आ जाती है जहाँ से शुरुआत हुई थी, तो जिसका जो है वो आउटडेटेड माना जाता है नमस्कार, तो उस पर हमें अभी रिलाय करना पड़ेगा। किसी से भी हम मिल रहे हैं तो नमस्कार, ये रिलाय करना पड़ेगा। और अगर आप देखोगे तो नमस्कार जो है इसके पीछे का कारण भी एक वही बोला जाता है कि ये जो नमस्कार है, किसी को कुछ डिसीज़ हो सकते हैं, किसी को कुछ डिसीज़ हो सकते हैं, उस टाइम पर लोग जो है उनका मिलना जुलना बहुत ज़्यादा होता था, तो इसीलिए यहाँ पर नमस्कार जो है ये लाया गया जिससे कि कोई भी डिसीजेज जो है वो स्प्रेड ना हो सके। इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर जो हग है उसे अवॉइड करना है, जो हैंडशेक है उसे अवॉइड करना है, और अगर आपको ग्रीट ही करना है तो आप नमस्कार इसके ज़रिए आप ग्रीट कर सकते हो जिससे कि जो डिसीजेस है, जो वायरस है वो स्प्रेड ना हो सके।
आप बाहर का खाना क्या बंद करना है? देखिए अभी आपको पब्लिक प्लेसेस, बाहर का खाना ये सब अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन अभी तक वैसी आई नहीं है, है ना? लेकिन सिचुएशन ऐसी आ सकती है अगर हमने ये सारी चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से ना बरती। मतलब हमें करना क्या है, हमें प्रॉपर तरीके से हाइजीन जो है सिर्फ वो रखनी है जिससे कि वायरस स्प्रेड ना हो सके। तो ये कुछ डूज एंड डोंट जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो गुड पर्सनल हाइजीन है सबसे बड़ा प्रावधान इसे ही दिया गया है। आप फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश कीजिए सोप के साथ, सबसे बड़ा प्रावधान यही दिया गया है जिससे कि जो भी ड्रॉपलेट्स है, जो भी डर्ट है वो आपके ऊपर ना रह सके। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको माउथ जो है स्नीज या कफ करते वक्त आपको कवर अप रखना है जिससे कि ड्रॉपलेट दूसरों पर स्प्रेड ना हो। उसी के साथ साथ आपको जो रनिंग वाटर है ना, सोप और रनिंग वाटर के साथ आपके हैंड को वॉश करना है। उसी के साथ साथ अल्कोहल बेस्ड हैंड रब जो है वो भी आप कर सकते हो। जो टिश्यूज़ है आपको इमीडिएटली इस्तेमाल करके जो बीन से उसमें फेंक देना है जिससे कि अगर वो जो टिश्यूज़ है उस पर अगर कोई वायरस है तो वो दूसरों तक ना पहुँचे। उसी के साथ साथ अगर अनवेल है तो डॉक्टर तक जल्द से जल्द पहुँचे जिससे कि ये जो कोरोना वायरस है उसे हम बच सकें। उसी के साथ साथ यहाँ पर किसी के साथ भी अगर आप क्लोज कांटेक्ट में रहते हो तो ये गलत हो जाता है ना। पब्लिक में अगर आप स्पिट करते हो तो वो भी गलत है क्योंकि उसमें भी वायरस होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप अंडरकुक्ड मीट जो है वो खा रहे हो, आप एक काम कीजिए, आप अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें मीट चिकन कुछ भी मत खाइए, आप नॉनवेज खाइए ही मत, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि जो एनिमल्स है उसमें अगर वायरस होता है तो आप तक ना पहुँचे। मतलब यहाँ पर होता है कि अगर वेल कुक्ड है तो नहीं होगा, मगर रिस्क क्यों लेना है ना। तो कुछ दिनों के लिए तो आप अवॉइड कर ही सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो भी एनिमल्स हैं उनके कांटेक्ट में आने से आप बचिए जिससे कि हो सकता है कि स्प्रेड आप तक भी हो जाए। और बाकी अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे अवेयरनेस के परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो इस पर सेपरेट वीडियो जो है मैं लेकर आऊँगा और एक जिसमें आपको और जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करके दूंगा। तो जल्द से जल्द यहाँ पर आप ये गौर कीजिए और अगर आपको कुछ भी खांसी या सर्दी होती है तो आप घबराइए मत, पैनिक मत होइए, लेकिन बस आप सावधानी ज़रूर बरतिए। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे मैमल की जो कि कम्प्लीटली प्रेग्नेंट रहता है थ्रू आउट हिज लाइफ। तो ये क्या है, ये किस तरीके से होता है, तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं समझने के लिए, जानने के लिए। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए मंडे को रिसर्चर्स ने रिपोर्ट किया है कि स्वैम्प वैलेबे ये जो है ये मतलब क्लोजली रिलेटेड है कंगारू से, प्रेग्नेंट है थ्रू आउट दी अडल्ट लाइफ। मतलब टिपिकली कंसीव करता है न्यू एम्ब्रियो डे बिफोर डिलीवरिंग अ न्यू बॉर्न फ्रॉम इट्स प्रीवियस प्रेगनेंसी। मतलब एक प्रेगनेंसी हो गई उसको डिलीवर करने के कुछ दिन पहले ही फिर से प्रेग्नेंट हो जाता है। मतलब एक साथ दो दो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अब ये कैसे हो सकता है, मतलब ये ट्विंस नहीं है, फिर ये कैसे हो रहा है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो समझना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरीज है ना, ओवरीज जो है वो फेलोपियन ट्यूब में जाती है, उसी के साथ साथ जो स्पर्म है वो निकलता है और स्पर्म जो है वो फिर यहाँ पर जाकर वो यहाँ पर मिलता है ना, फिर फर्टिलाइज होता है और फिर यहाँ पर हमें जो प्रेगनेंसी है वो देखने को मिलती है। मतलब क्या है, यूटेरस जो है वहाँ पर हमें प्रेगनेंसी मोस्टली देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बात क्या आती है, बात आती है इस एनिमल की। अब इस एनिमल में खास क्या है, एनिमल में खास ये है कि इसके दो यूटेरस हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दो अलग अलग इंडिपेंडेंट यूटेरस देखने को मिलते हैं, ओवरीज भी यहाँ पर हमें अलग अलग देखने को मिलती है। अब इंडिपेंडेंट यूटेरस होने की वजह से क्या है कि यहाँ पर इसमें भी जो बच्चा है वो रह सकता है और इसमें भी बच्चा रह सकता है और यहाँ पर वही होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक में यहाँ पर बच्चा है और इसका इसको जन्म देने के कुछ दिन पहले ही यहाँ पर दूसरे इसमें भी बच्चा जो है वो आ जाता है। इसका मतलब है कंटिन्यूसली यहाँ पर प्रेग्नेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। मतलब कंगारूज में अगर देखा जाए न्यू एम्ब्रियो जो है कंसीव किया जाता है अ डे और टू आफ्टर द प्रीवियस बर्थ। मतलब एक बार कंगारू ने बर्थ दे दिया उसके एक या दो दिन के बाद फिर ये कंसीव जो है वो सब कुछ हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो स्वैम्प वैलेबी है इसका न्यू कंसीव जो कंसेप्शन है वो यहाँ पर एक या दो दिन पहले होता है प्रेगनेंसी के, जो डिलीवरी है उसके एक या दो दिन पहले होता है जिससे कि इसे वो कंटिन्यूसली प्रेगनेंसी जो है वो देखने को मिलती है। इसमें कंटिन्यूसली प्रेगनेंसी जो है वो ट्रैक की जा सकती है। अब देखिए एक और मैमल है सिर्फ यूरोपियन ब्राउन हेयर जो कि एडिशनल एम्ब्रियोज जो है बर्थ के पहले ही यहाँ पर कंसीव करता है, मतलब बर्थ देने के पहले ही कंसीव करता है, वो है यूरोपियन ब्राउन हेयर। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। अगर आप देखोगे ये जो हमने देखा था अभी इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग यूटेरस होता है ना, जिसमें इसमें एक अलग बच्चा होता है, इसमें एक अलग बच्चा होता है। लेकिन ये जो यूरोपियन ब्राउन हेयर है ये क्या करता है, सेम यूटेरस में यहाँ पर कंसीव करता है। मतलब क्या है, यहाँ पर
जो कंसीव है ये सेम यूटेरस में होता है इसके, लेकिन इसके अलग अलग इसमें होता है, ठीक है। तो ये एक अलग डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अदर डिफरेंस क्या है, ओनली स्वैप वेलेबे थ्रू आउट द लाइफ जो है वो प्रेग्नेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता रहना चाहिए और दोनों जो चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको अच्छे तरीके से पता रहना चाहिए कि किस तरीके से है। और आपको कमेंट सेक्शन में क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपको इन तीनों के, मतलब जो कंगारू है उसका IUCN स्टेटस, जो ये है इसका IUCN स्टेटस, और उसी के साथ साथ यूरोपियन हेयर है इसका IUCN स्टेटस, तीनों का आपको जो इन्फॉर्मेशन है, आप साइट्स के बारे में बोलो या फिर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके बारे में बोलो, तो इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है कमेंट सेक्शन में। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल हमें देखने को मिलता है, एजुकेट एंड एम्पावर। अब यहाँ पर देखिए ये जो आर्टिकल है ये भले ही यहाँ पर जो मिनिस्टर है उनके द्वारा लिखा गया है, राइटर जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम रिसोर्स डेवलपमेंट है, मगर फिर भी ये जो आर्टिकल है मैंने इंक्लूड इसलिए किया है, बट ऑब्वियस है कि ये जो मिनिस्टर ने लिखा हुआ है तो सरकार की यहाँ पर तारीफ ही रहेगी, लेकिन ये आर्टिकल मैंने इंट्रोड्यूस इसलिए किया है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ हमें स्कीम्स जो है वो देखने को मिलेगी जो हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, प्रीलिम्स परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है, मेंस में आंसर राइटिंग के लिए भी आपको इसमें जो भी चीज़ें दी गई है वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी देखिए विमेन जो है उन्हें यहाँ पर अटमोट रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज के साथ देखा जा रहा है ना, क्योंकि महिलाएं जो हैं, विमेन जो है वो काफ़ी बड़ा रोल जो है वो अदा करती है, और अगर विमेन को और एम्पावर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, विमेन को एजुकेट भी करना पड़ेगा। हमने देखा हुआ है कि जो हेल्थ है, हेल्थ पूरी फैमिली की अच्छी कब रहती है, जिस फैमिली में जो महिला है वो पढ़ी लिखी हो, लिटरेट हो, तो वो जो फैमिली है वो यहाँ पर काफ़ी हेल्दी देखने को मिलती है। हमने कई आर्टिकल्स में डिस्कस किया हुआ है ना, क्योंकि सैनिटेशन के बारे में बोल दीजिए है ना, तो ये सारी जो हाइजीन है इन सब के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन रहती है, इसलिए जिस घर में महिला जो है वो पढ़ी लिखी हो, लिटरेट हो, वो घर जो है काफ़ी हेल्दी रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर और उनको एम्पावर करना है तो एजुकेट करना यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, इंडिया जो है उसने काफ़ी कुछ यहाँ पर जो स्टेप्स है वो लिए हैं जिससे कि हम यहाँ पर जो विमेन है उन्हें एजुकेट कर सके, उन्हें एम्पावर कर सके। अगर आप देखोगे स्वच्छ भारत मिशन तो इतने स्कूल जो है वो फंक्शनिंग कर रहे हैं गर्ल्स टॉयलेट के साथ, नहीं तो पहले जो टॉयलेट्स है गर्ल्स के लिए वो हाइजीनिक नहीं थे, वो अच्छे तरीके के नहीं थे, थे ही नहीं बहुत सारी जगहों पर, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ पर टॉयलेट जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो इंक्रीज ऑफ 4.17% इन कंपेरिजन टू 2013-14, और उसी के साथ साथ जो इम्पैक्ट इस मिशन का, इसके वजह से जो एनरोलमेंट है गर्ल्स का वो भी 25% से यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। उसी के साथ साथ गर्ल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अगर आप देखोगे गर्ल का अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन वो बॉयज से हायर है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो अगर इस तरीके से आपको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट दिया जा सकता है डायरेक्टली तो आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ एलिमेंट्री लेवल पर देखा जाए तो 94.32% है एज अगेंस्ट 89.28% फॉर बॉयज। एलिमेंट्री लेवल पर कितना है 94.32, बॉयज का कितना है 89.28। सेकेंडरी लेवल पर देखते हैं वहाँ पर है 81.32%, 78% हमें बॉयज़ का देखने को मिलता है, और हायर सेकेंडरी लेवल अगर हम देखते हैं तो 59.7% है एज़ कम्पेयर टू 57.54% फॉर बॉयज़। तो आप देख सकते हो यहाँ पर तीनों ही लेवल पर जो गर्ल्स का एनरोलमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। उसी के साथ साथ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो है गर्ल्स के लिए उसमें इंक्रीज लाने के लिए, जो इक्वालिटी है उसमें इंक्रीज लाने के लिए जो MHRD है उन्होंने 5930 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है वो सैंक्शन किए, और उसी के साथ साथ यहाँ पर इंसेंटिव अमाउंट जो है 8.56 करोड़ का वो यहाँ पर 28,547 बेनिफिशियरीज को दिया गया, सैंक्शन किया गया अंडर द नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। मतलब यहाँ पर आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, आपको यहाँ पर नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, जहाँ पर जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसके लिए गर्ल्स को इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसी के साथ साथ स्कीम जो है वो 3000 यहाँ पर प्रोवाइड करता है जो डिपॉजिट किए जाते हैं जो अनमैरिड गर्ल्स हैं बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, उनके अकाउंट में यहाँ पर जो है वो जमा किए जाते हैं, और फिर जब वो 10th क्लास पास हो जाती है और फिर जब वो 18 ईयर्स रीच कर लेती है तो फिर उसके बाद वो जो अमाउंट है उन्हें प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको स्कीम जो है ये पता रहना चाहिए कि ऐसी भी एक स्कीम जो है वो चलती है।
उसी के साथ साथ जो विमेन का पार्टिसिपेशन है स्टेम एजुकेशन में, ठीक है, उसे भी यहाँ पर बढ़ाने के लिए, जो सीट्स है उसे बढ़ाने के लिए जो सुपर न्यूमरी सीट्स है वो क्रिएट किए गए IITs और NITs में, जिसके वजह से नंबर ऑफ गर्ल जो NITs में वो यहाँ पर ग्रो हो गए हैं 14.11% टू 17.53% इन 1920, एंड IIT में अगर देखा जाए तो 8% से ये ग्रो हुए हैं 18% पर। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिली है। तो ये जो आपको जो भी सरकार ने यहाँ पर लिए है, यहाँ पर जो भी स्कीम्स आई है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ आपको जो गर्ल्स से रिलेटेड, वीमेन से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हमारे बजट में भी है, बजट पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो उसके लिए जो भी यहाँ पर स्कीम्स लाई गई है, जो भी चीज़ें की गई है, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। खासकर जो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसके बारे में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। रिप्लेसमेंट रेट जो है जो 2.1 है उसके बारे में आपको पता जो है वो अच्छे तरीके से रहना चाहिए, है ना। तो आपको ये पता होगा रिप्लेसमेंट रेट मतलब क्या होता है, कि एक महिला टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब क्या है, कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा कर सकती है, एकदम लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। उसी के साथ रिप्लेसमेंट रेट मतलब क्या होता है, कि ये जो जनरेशन है इसको कंप्लीटली रिप्लेस करने के लिए महिला ने कितने बच्चों को जन्म देना चाहिए। तो ये 2.1 जो है वो हमें देखने को मिलता है रिप्लेसमेंट रेट, मतलब 2.1 अगर रिप्लेसमेंट रेट है, इतने अगर बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो मतलब है कि ये जनरेशन को कंप्लीटली ये रिप्लेस कर लेगी, मतलब जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर स्टेडी रहेगी। अगर ये कम होता है तो पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग रहेगी, अगर ये ज़्यादा होता है तो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग ट्रेंड पर रहेगी, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर पूरी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं, यहाँ पर टीचिंग द टीचर, इसके बारे में जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है हमारे GS पेपर 3 के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। प्रॉब्लम्स मतलब किस तरीके के हैं, तो सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। अगर आप देखोगे तो जो स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, हमारे यहाँ पर लर्निंग क्राइसिस है, मतलब जहाँ पर जो बच्चे हैं वो ठीक तरीके से लिख नहीं पाते हैं, ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। हमने कई रिपोर्ट देखी है, ऐसे रिपोर्ट भी देखी है ना, तो ऐसे कई रिपोर्ट्स हैं जिसमें जो 2 डिजिट सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर ग्रेड 5 का लड़का नहीं कर पाता है। 67% जो बच्चे हैं ग्रेड 8 में पब्लिक स्कूल्स में, वो 50% से भी कम यहाँ पर स्कोर कर पाते हैं। तो इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। इसका मतलब है कि हम क्वालिटी एजुकेशन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं बच्चों को। उसी के साथ साथ अगर हम टीचर्स के बारे में देखते हैं तो काफ़ी वैकेंसीज जो है वो हमें देखने को मिलती है, मतलब 60-70% वैकेंसीज जो है वो अभी भी हमें देखने को मिल रही है ना। और इस वजह से क्या होता है, काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो होते हुए हमें नज़र आते हैं। अब देखिए टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए, टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर हमारे पास TEI जो है वो देखने को मिलता है, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, है ना। मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है टीचर्स को जो भी प्रोग्राम्स है, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है ये सब कुछ दे। अब इनका अगर सैंक्शन अगर हम देखते हैं, जो जितनी ये इनटेक ले सकते हैं, है ना, तो फुल ऑपरेशनल अगर देखा जाए तो वो 19 लाख फ्रेशली ट्रेंड टीचर जो है हर साल हमें दे सकते हैं। एस्टिमेट कितना है कि हमें सिर्फ 3 लाख चाहिए, लेकिन 19 लाख जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। मगर फिर भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैकेंसीज जो है वो देखने को मिलती है। उसके कई रीजंस है, एडहॉक टीचर जो है उन्हें यहाँ पर लिया जाता है। उसका फ़ायदा क्या है, अगर आप रेगुलर टीचर रखोगे तो उनको सैलरी जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा, उनको छुट्टियाँ जो है उनके पैसे भी देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एडहॉक तरीके से रख रहे हो, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रख रहे हो, तो मतलब क्या है, लेक्चर वाइज रहेंगे, पैसे भी कम देना पड़ेगा, उसी के साथ साथ और क्या होगा, यहाँ पर छुट्टियाँ ली तो उन्हें पैसे भी नहीं देना पड़ेगा। ये सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, इसलिए जो रेगुलर टीचर्स हैं उनकी वैकेंसीज जो है कम कम होती जा रही है। आप यूनिवर्सिटीज़ में भी देखो, सिर्फ स्कूल्स ही नहीं, यूनिवर्सिटीज़ में भी देखो, तो ये प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं एट प्रेजेंट। अब देखिए नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, टीचर्स एजुकेशन और 4 रीजनल कमिटीज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एस्टैब्लिश किए गए, ये रिस्पांसिबल है फॉर टीचर एजुकेशन इन इंडिया। हाउएवर एक्ट जो यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेट पावर देता है रीजनल कमिटीज को, जो कि यहाँ पर एफिलिएशन ग्रांट करती है, तो ये काफी टूथलेस है। मतलब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जिनको टीचर्स जो डिजर्विंग है उन्हें यहाँ पर नहीं मिल पाता है, यहाँ पर लग्गे से जो टीचर्स हैं वो लग जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, और इसका जो सोल्यूशन है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पा रहा है ना। मतलब हम यहाँ पर काफ़ी पुरानी तरीके की जो चीज़ें हैं वही अपना रहे हैं, नई चीज़ें अपना नहीं रहे हैं, नई जो यहाँ पर चेंजेस होते हैं वो यहाँ पर नहीं अपना रहे हैं, तो इससे प्रॉब्लम्स जो है और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं।
तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पर आउटडेटेड हमारी जो भी प्रैक्टिसेस चल रही है उसे यहाँ पर नई इससे लेकर आ सके, क्योंकि आउटडेट प्रैक्टिसेस रहेंगी तो फिर यहाँ पर क्या होगा, बच्चों का ही नुकसान होगा। बच्चों का नुकसान होगा तो बट ऑब्वियस है कि हमारी कंट्री जो आगे नहीं बढ़ पाएगी। जो हम इतना स्किल की बात कर रहे हैं, ये अगर स्कूल में ही इंकलकेट किया जाए तो कितना अच्छा होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर करना क्या चाहिए, अभी देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या करना चाहिए, तो एक्यूरेट सिस्टम ऑफ असेसमेंट और एक्रीडेशन जो है ये डेवलप करना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर जो डाटा है वो हमारे पास अवेलेबल रहे, जिससे कि प्रॉपर जो एक्रीडेशन है वो हम यहाँ पर दे सके, जिससे कि हाई क्वालिटी टीचर एजुकेशन हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सके। उसी के साथ साथ कॉमन एक्रीडेशन फ्रेमवर्क यहाँ पर डिज़ाइन करना चाहिए कंसल्टेटिव प्रोसेस के साथ, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो यहाँ पर रहे और उनकी एक्सेबिलिटी रहे। मतलब क्या है कि यहाँ पर आप देखिए कि एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो हमारे जो भी इंडस्ट्रीज़ है उसमें किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से क्या एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, नहीं। यहाँ पर आप एजुकेशन जो है वो पुराने इससे कर लो, हमारे यहाँ पर मतलब देखिए कितना ये होता है ना ऐसा कि मतलब एकदम ही पुराने ख्यालात के, तो उस तरीके से आप पहले जो हमारा नॉर्मल एजुकेशन है उस तरीके से एजुकेशन कर लो, उसके बाद जैसे ही इसमें मार्केट में रिक्वायरमेंट हो आपको अलग से स्किल डेवलपमेंट जो है वो आपको कोर्स करना पड़ेगा, फिर आपको स्किल आ जाएगा, उसके बाद आप जॉब जो है उसके लिए जा सकते हो। लेकिन यहीं पर अगर सब कुछ दे दिया जाए तो ये क्या अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर कॉमन एक्रीडेशन फ्रेमवर्क जो है वो डिज़ाइन किया जाना चाहिए, जिससे कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी यहाँ पर एक्सेप्टेबिलिटी रहे। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्वालिटी जो है वो है करिकुलम का, करिकुलम यहाँ पर रिवाइज किया जाना चाहिए, है ना, जिससे कि क्या है ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है उसी अलाइंड रहे। नहीं तो क्या है, हमारा ग्लोबल स्टैंडर्ड से अलाइन नहीं रहेगा, हम चल रहे हैं पुराने ज़माने में, नए ज़माने में सब कुछ AI से हो रहा है, हम यहाँ पर चल रहे हैं कि मैन फोर्स किस तरीके से काम करना चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के तहत जो करिकुलम है वो स्टैब्लिश किया जाना चाहिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव विल जो है उसके तहत यहाँ पर रिफॉर्म जो है वो ड्राइव किए जाने चाहिए, वेल एस्टैब्लिश गवर्नेंस मैकेनिज्म के तहत ये एग्जीक्यूट किए जाने चाहिए, और ओनरशिप अकाउंटेबिलिटी जो है यहाँ पर मल्टीपल एजेंसीज के द्वारा अगर होती है तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से सब कुछ जो है वो किया जा सकता है। यहाँ पर एक ही हाथ में रहेगा, मोनोपोली रहेगी तो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होते हैं। नाग भी आपको पता होगा, नेशनल एक्रीडेशन असेसमेंट काउंसिल, ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है हायर एजुकेशन में वो देने का, है ना। और ये जो नाक है जो ये क्या करता है, ये क्वालिटी स्टैंडर्ड देता है, ये सिर्फ 30% इंस्टीट्यूट जो है वो कवर करता है। ये अगर सब कुछ कवर करने लग जाए तो फिर क्या होगा, क्वालिटी जो है यहाँ पर अपग्रेड होगी, क्वालिटी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए हाल ही में ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये यहाँ पर कुछ होप दे रही है कि यहाँ पर इंटीग्रिटी क्रेडिबिलिटी जो है टीचर एजुकेशन की ये यहाँ पर स्थापित की जा सके, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है कि ये भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो एजुकेशन है उसके अपग्रेडेशन के लिए। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमें एजुकेशन में अपग्रेड करना है। अब देखेंगे किस तरीके से ड्राफ्ट जो है ये जब फाइनल इसमें बनकर आएगा तो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, वो भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक न्यूज़ आर्टिकल आ रही है कि कंप्लेंट जो किसी भी प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में अगर होती है तो लोकपाल के फुल बेंच की तरफ जाएगी, और फिर अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी देना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए फर्स्ट लोकपाल हमारे कंट्री के पिनाकी चंद्र घोष, है ना, ये है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि प्रधानमंत्री मतलब जो एट प्रेजेंट प्रधानमंत्री है या फिर जो पहले प्रधानमंत्री रहे हुए हैं उनके अगेंस्ट में अगर कोई भी कंप्लेंट आती है तो क्या होगा, ये जो कंप्लेंट है ये जाएगी फुल बेंच की तरफ, फुल बेंच जो है वो उसे देखेगी और फिर ये समझेगी कि ये जो चीज़ है ये आगे पुश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर इन्हें लगता है कि नहीं करना चाहिए तो रिजेक्शन का कोई रीज़न भी इन्हें देने की ज़रूरत नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन जो है रिजेक्शन की वो भी देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री की पोस्ट है, प्रधानमंत्री की जगह है, ये लोकपाल के एम्बिट से बाहर हो चुकी है, तो ये भी हम देख सकते हैं। तो और डिटेल जो चीज़ें हैं ये हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन अभी एट प्रेजेंट आपको ये पता रहना चाहिए जो न्यूज़ आर्टिकल है उसके तहत यहाँ पर लोकपाल जो है वो यहाँ पर प्रोब इनिशिएट करेंगे, लेकिन जो भी प्रधानमंत्री है फॉर्मर भी, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, फॉर्मर भी अगर होते हैं तो भी उनके अगेंस्ट में यहाँ पर अगर रिजेक्ट भी की जाती है तो भी रिजेक्शन का जो एक्सप्लेनेशन है वो देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देख लेते हैं। हमारे खूबसूरत धरती जूम करते हैं तो हमें भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसमें आते हैं तो यहाँ पर हम आ गए हैं मेडिटेरियन सी, और यहाँ पर आपको ग्रीस जो है वो देखने को मिलेगा।
अब ग्रीस के पास ही हमें वो आइलैंड जो है वो देखने को मिलता है, यहाँ पर है एगन सी, और यहीं पर हमें वो जो आइलैंड है वो देखने को मिलता है। आप उसे लेस्बोस भी कह सकते हो, लेस्वोस भी कह सकते हो। ये जो है ये ग्रीक आइलैंड है, ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड है क्रेटे, और उसी के साथ साथ यूबिया जो है उसके बाद एगन सी में है ना। और ये जो आइलैंड है लार्जली वॉल्केनिक है वेस्ट में, ठीक है, और न्यूमरस थर्मल स्प्रिंग जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इससे पता चलता है कि ये काफ़ी अनस्टेबल है, और इसका जो कोस्ट है वो भी काफ़ी इररेगुलर है, तो इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसका प्रिंसिपल पीक अगर देखते हैं तो वो है माउंट लेपेथिमस, ठीक है, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए, काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, इसलिए इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।